हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्वार्टर टू के नंबर के बारे में। यस, आज के दिन की बात करें, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी के क्वार्टर टू के हम लोगों को नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, अर्निंग्स देखने को मिल रहे हैं। एंड जिस प्रकार के नंबर अभी तक हम लोग को बड़े बड़े कंपनी के देखने को मिले हैं, ठीक है, मतलब हर एक सेक्टर का एक लीडर होता है, तो इतने कुछ खास एनर्जेटिक नंबर देखने को नहीं मिले हैं। मतलब अभी तक तो जस्ट पिक्चर स्टार्ट ही हुई है, बट फिर भी जो स्टार्ट हुई है काफ़ी गंदा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट आगे क्या होता है अभी देखने वाली बात रहेगी। हर किसी का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अलग अलग हो सकता है। अभी इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें, दो दिग्गज कंपनीज को हम लोग कवर करेंगे जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अभी आईटी सेक्टर में दो ऑलरेडी बड़े कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। टीसीएस के देखने को मिल चुके हैं, एचसीएल टेक के देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, एलएनटी इन्फोटेक, माइंडट्री के भी नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। बट इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इन्फोसिस एंड उसी के साथ साथ विप्रो, ये दो कंपनी के नंबर को हम लोग कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। डिटेल में पढ़ने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, ठीक है। एंड मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूँगा, हो सके तो डिटेल में पढ़ने की कोशिश आपने भी करनी चाहिए, ठीक है। 99% लोग ये सारी चीज़ों को स्कीप कर लेते हैं, ठीक है। 1% ही लोग शायद से पढ़ते होंगे, बट वही आगे जाके शेयर बाजार में अच्छा पैसा कमाते हैं। सो चलो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले इन्फोसिस के साथ ही। अभी इन्फोसिस आज के दिन तो 3% भागा रफली, बट इसमें रिजल्ट का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं, बिकॉज नंबर बाजार क्लोज हो जाने के बाद देखने को मिले। तो रिएक्शन के लिए हम लोग को कल के दिन का इंतजार भी वैसा करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है इन्फोसिस का ADR अमेरिकन बाजार में लिस्टेड है, तो वहाँ पे ही हम लोग को रिएक्शन देखने को मिलेगा कि बाजार को नंबर इनके अच्छे लगे या फिर बुरे लगे करके। तो चलिए सबसे पहले तो फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं कि कंपनी के नंबर कैसे रहे करके, ठीक है। उसी के साथ साथ पहले तो आपको ये भी बता दूं कि इन्फोसिस ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है उनके शेयर होल्डर के लिए। कितने रुपये का डिविडेंड, तो डिविडेंड आप देख सकते हैं 21 रुपये का डिविडेंड उन्होंने अनाउंस यहाँ पे किया है, तो चलिए अच्छी बात है। डिविडेंड कभी भी आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड। बट अगर कोई कंपनी अगर आपको बिजनेस वाइज अच्छी लगती है एंड वहाँ पे अगर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है एंड अगर ये चीज़ें आ जाती है, देन अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है। तो 21 रुपये का डिविडेंड मिलते हुए देखने को मिल चुका है। तो चलो अभी आ जाते हैं दोस्तों कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे उसको देख लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कंपनी के नंबर्स मैंने ओपन कर लिए, कंसोलिडेटेड नंबर है, जो भी फिगर्स यहाँ पे रहते हैं वो करोड़ों में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही आप ध्यान दोगे तो भी आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। सीक्वेंस देखना इंपॉर्टेंट है, तो सितंबर, जून, सितंबर, ठीक है, सीक्वेंस ठीक है। इनकम कितना है इन्फोसिस का, 41,698 करोड़, ठीक है। 3 महीने पहले था 40,153 करोड़ और उसके पहले था 39,626 करोड़। तो हम कह सकते हैं ईयरली इनकम अच्छा है, क्वार्टरली भी अच्छा ग्रो यहाँ पे हो चुका है। बट चलो ये स्टार्टअप है नहीं तो इनकम देखकर ही हम लोग रिएक्ट नहीं कर सकते। इतना कमाने के लिए कितना खर्चा किया है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं इतना सारा खर्चा किया है तो टोटल खर्चा कितना बन रहा है, 32,445 करोड़। 3 महीने पहले था ये 31,000 करोड़ के रेंज में और 1 साल पहले था 30,000 करोड़ के रेंज में। तो बहुत ही सिंपल सा गणित है, जितना कमाई की है उसमें से खर्चे हटा दो, मुनाफा बचेगा या फिर लॉस हो जाएगा। तो लॉस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं इन्फोसिस है भाई। हाँ, मुनाफा ऊपर नीचे हो सकता है। तो कितना है मुनाफा इस कंपनी का टैक्स देने के पहले का, सो 9,253 करोड़ यह मुनाफा। 3 महीने पहले था 9,021 करोड़ और 1 साल पहले था 8,768 करोड़। तो देख सकते हो 8,768 करोड़ कितना हो गया, 9,200 करोड़ के रेंज में। एंड 3 महीने पहले भी 9,000 करोड़ का रेंज था जो कि 9,200 करोड़। मतलब ईयरली क्वार्टरली प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, बट ये कौन सा प्रॉफिट है, टैक्स देने का पहले का प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट तो शेयर होल्डर का तो होता नहीं, हमारा होता है नहीं। तो क्या होता है इसके बाद, टैक्स के पहले का है तो सरकार को भाई हिस्सा दे दो, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो टैक्स भी सब कुछ कट कुट करने के बाद फाइनल जो प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रहा है, मैं जूम कर लूँ तो अभी आपको इजीली विजिबल हो जाएगा, ये है प्रॉफिट 6,500 करोड़। ये इन्फोसिस का इस वक्त का प्रॉफिट, 3 महीने पहले कितना था 6,374 करोड़ और 1 साल पहले था 6,215 करोड़। तो 6,215 करोड़, 6,500 करोड़, अच्छा बात है। 6,374 करोड़ कितना हो गया, 6,500 करोड़। तो ये भी अच्छी बात है, मतलब क्वार्टरली ईयरली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इन्फोसिस की जो कमाई है वो अच्छी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, मतलब ग्रोथ तो है। हाँ, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सुपर एबनॉर्मल ग्रोथ होगी करके, ठीक है। उसके लिए बिजनेस में कुछ तो सुपर एबनॉर्मल इनोवेशन करना पड़ेगा, अगर ऐसा कुछ अगर हुआ देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ भाई ये ऐसा चले, वरना वो तो एवरेज ग्रोथ तो चलती ही रहेगी, ठीक है। तो ये ऐसी जंप तो यहाँ पे होती रहती है, ठीक है। तो एक नॉर्मल अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें जो एक लॉन्ग टर्म वाला होगा, उसको तो इस नंबर से कोई आपत्ति नहीं होगी। जैसे एवरेज परफॉर्मेंस चल रहा है वैसा ही परफॉर्मेंस इन्फोसिस ने यहाँ पे दे दिया है। इसी चीज़ को अगर आप अर्निंग्स में देखोगे, EPS में, तो वो भी देख सकते हो कितना है, 15.71 का EPS,
15.38 एंड 15 के आसपास, तो 15 का कितना हो गया 15.71, 15.38 का कितना हो गया 15.71। तो क्वार्टरली ईयरली इंफोसिस के नंबर एकदम एवरेज जैसे होते हैं वैसे हम लोग को देखने को आप मिल चुके हैं। हाँ, अभी मुद्दे की बात आ जाती है कि अनुमान कितने का था, ठीक है, उस हिसाब से जो शॉर्ट रेंज वाले होते हैं वो अपना दाव प्लस माइनस करते हैं। तो अनुमान की अगर मैं बात करूँ, जो प्रॉफिट अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, कितना देख लिया प्रॉफिट, ये वाला स्लाइड देखा था ना, ये वाला, तो इस वक्त का प्रॉफिट कितना है, तो इस वक्त का प्रॉफिट है 6,500 करोड़। बट अनुमान एक्सपेक्टेशन कितना था, लगभग 6,800 करोड़ का अनुमान था, ठीक है। अभी कुछ जगह पे आपको 6,700 मिलेगा, कुछ जगह पे 6,900 भी मिलेगा, तो एवरेज अनुमान था 6,800 के करीब, तो एक्चुअल में कितना आया 6,500। तो जो शॉर्ट रेंज वाले हैं वो शायद से हो सकते हैं नाराज, ठीक है, उनका तो भाई प्लस माइनस का खेल चलता रहता है, ठीक है, वरना लॉन्ग रेंज वालों को कोई दिक्कत की बात नहीं, एवरेज परफॉर्मेंस जारी है। मतलब इंफोसिस से रिलेटेड हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म से रिलेटेड जो लॉन्ग टर्म देख सकते हैं 5 साल में भाई डबल के आसपास एवरेज होना चाहिए, वैसा तो चल ही रहा है, परफॉर्मेंस ठीक ही चल रहा है। हाँ, शॉर्ट रेंज वाले नाराज हो सकते, क्यों, बिकॉज आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट करना चाहूंगा क्या लिखा है, मिस द एस्टिमेट्स, ठीक है, 6,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, बट एक्सपेक्टेड था 6,800 तो होना चाहिए, कुछ जगह पे 6,700 था, चलो 700 भी पकड़ लो, स्टिल 6,500 देखने को मिल रहा है, तो एस्टिमेट मिस होते हुए देखने को मिल चुके हैं। हाँ, कंपनी ने गाइडेंस फर्दर रेस किया, डिविडेंड की बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सो डेफिनेटली अभी इंफोसिस का जो ADR रहेगा दोस्तों, उसके ऊपर अभी हम लोगों का ध्यान रहेगा, वो हमें बताएगा कि कंपनी को नंबर अच्छे लगे या नहीं लगे करके। तो कल के दिन के रिएक्शन से पहले आज के शाम की अगर बात करें, रात की बात कर ले, तो इंफोसिस का ADR के ऊपर आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। तो चलो, हो गया पॉइंट नंबर 1, अभी आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर, जो कि है विप्रो। सो विप्रो के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, जरूर आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। सो विप्रो भी IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी, आज के इनके नंबर्स की बात करें तो सिर्फ नंबर नहीं, एक और चीज़ के ऊपर भी ध्यान था, जो कि आपको पता है, येस बोनस। तो सभी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, कंपनी के नंबर कैसे रहे, एवरेज नंबर ठीक रहे या नहीं रहे, एस्टिमेशंस को बीट किया नहीं किया, एंड क्या बोनस दिया या नहीं दिया। सो विप्रो की अगर हम लोग बात करें तो सेम जो रिएक्शन रहेगा वो कल, मतलब आप चाहो तो इनका भी ADR को देख सकते हो, मतलब ड्यूरिंग द मार्केट कंपनी के नंबर नहीं आए, मार्केट क्लोज आने के बाद आए हैं। ये भी एक एवरेज कंपनी, 5 साल में डबल के हिसाब से चलना चाहिए, उसी के हिसाब से चलते हुए देखने को आप मिल रही है। तो चलो स्टार्ट कर लेते, बोनस के साथ ही स्टार्ट कर ले। तो दोस्तों, बोनस वालों के लिए यस अच्छी खबर देखने को मिल चुकी है। तो बोनस आप देख सकते हो, 1:1 का बोनस उन्होंने अनाउंस यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये बोनस है अभी कितना हो गया, पहले 13 था, ये पकड़कर 14 टाइम बोनस अभी ये इंफोसिस विप्रो वालों ने अपने शेयर होल्डर को यहाँ पे दे दिया है। तो चलो, ये तो बोनस की बात यहाँ पे हो गई, ठीक है। अभी आ जाते हैं कंपनी के नंबर की ओर। तो ठीक है दोस्तों, विप्रो के नंबर मैंने ओपन कर लिए हैं, कंसोलिडेटेड नंबर है, फिगर्स आपको रुपीज इन लैक्स करोड़ में ही देखने को मिल जाते हैं। इनके क्या है नंबर्स, तो मिलियंस में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये भी एक ना एक रूल बनाना चाहिए कंपनीज में कि भाई नंबर लिखना है तो करोड़ में लिखो या फिर मिलियंस में लिखो या फिर लैक्स में लिखो, अलग अलग लिखते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। भविष्य में कभी आ ही जाएगा, एक्सपेक्ट कर लेंगे, जून सेप्टेम्बर का सिक्वेंस है, ठीक है। तो ये मिलियंस में है, करोड़ों में नहीं है, ठीक है। अगर करोड़ में चाहे तो आखिरी वाला पॉइंट को कट कर देना, तो करोड़ों में भी आपको मिल जाएगा। तो चलो, वो यहाँ पे ज़्यादा लोड नहीं देंगे, नॉर्मल चीजों को देखेंगे। कितना है, 232,000 का टोटल इनकम, 226,000 था, 232,000 था एक साल पहले, तो 232,557, 232,635, मतलब एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं ईयरली। क्वार्टरली अच्छा है, 226,000 का 232,000 हो गया, बट ये टोटल इनकम है। इतना कमाने के लिए काफ़ी खर्चा करना पड़ता है, 189 का खर्चा, 186 का खर्चा और 197 का खर्चा। ओहो, ये चीज़ काफ़ी बदल सकती है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, साल भर पहले का ये जो खर्चा था वो काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा था, एंड इस वक्त का खर्चा आप देख सकते हो काफ़ी मैनेजेबल होते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे तो प्रॉफिट लॉस ही रहेगा, बट कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो कितने का है प्रॉफिट, सो टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट, चलो टैक्स कट करने के बाद वाला ही प्रॉफिट के ऊपर आ जाते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड और दियर कितना है, 32,266 का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। 3 महीने पहले 30,366 का था और 1 साल पहले 26,500 का था। सो 26,500 का हो गया 32,266, 30,366 का हो गया 32,266। मतलब कंपनी का ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट अच्छा ही देखने को मिल रहा है। नो डाउट एवरेज ही परफॉर्मेंस रहेगा, एक लार्ज कैप कंपनी है तो वैसा ही परफॉर्मेंस देखने को आप मिल चुका है। इसी चीज़ को आप चाहो तो EPS अर्निंग्स में भी देख सकते हो। तो कितना है अर्निंग कंपनी का, 5 का हुआ करता था, जो कि बढ़कर हो चुका है 6.14 एंड 5.75 का EPS 3 महीने पहले था, वो था, अभी हो चुका है 6.14। मतलब क्वार्टरली ईयरली अगर हम लोग बात कर ले तो लॉन्ग रेंज वालों को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, उसी हिसाब से विप्रो ने भी अपने नंबर्स दिखाए हैं।
देन शॉर्ट रेंज वालों की क्या बात है? तो दोस्तों शॉर्ट टर्म वालों की अगर हम लोग बात करें तो विप्रो का कितना है प्रॉफिट इस वक्त का, तो 32,266, एक्सपेक्टेशन कितना था बताए 30,000, सो 30,000 एक्सपेक्टेशन था, दिखाया कितना 32,000, मतलब क्या बोलने की जरूरत है दोस्तों यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों यस विप्रो बीट द एस्टिमेट, तो विप्रो ने हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि 21% की जंप मारी वो तो ठीक है, बट एस्टिमेट के मुताबिक, इनफैक्ट एस्टिमेट से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस बेटर यहाँ पे दिखाया है। तो डेफिनेटली विप्रो का जो ADR रहेगा उसके ऊपर भी ध्यान आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे रखना है, ये रुपीज़ नहीं ये USD है, शाम को अभी अमेरिकन बाजार जब ओपन होगा तो दोनों ADR आपके रडार के ऊपर यहाँ पे रहने चाहिए। सो हम कह सकते हैं इन्फोसिस के भी नंबर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक ही रहे, एवरेज ही रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं, 21 रुपये का डिविडेंड दिया, हाँ एस्टिमेट को मिस यहाँ पे कर दिया है। विप्रो की अगर हम लोग बात करें तो बोनस दे दिया है 1:1 का बोनस, चलो ये एक नॉर्मल रेशो माना जाता है, ठीक है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देन अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के नंबर लॉन्ग रेंज वालों को भी अच्छे लगे होंगे एंड शॉर्ट रेंज वालों को भी अच्छे लगे होंगे, तो विप्रो एंड इन्फोसिस दोनों कंपनी के नंबर्स हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, ठीक है जैसे मैंने कहा इनके दोनों के ADR के ऊपर हम लोग का ध्यान रहना चाहिए, इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि इनके नंबर बाजार को अच्छे, मतलब शॉर्ट रेंज में अच्छे लगे या नहीं लगे करके, लॉन्ग रेंज वालों को तो एवरेज परफॉर्मेंस के हिसाब से नंबर में तो कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।